सुनम आप पहले एयर होस्टेस थी अब एक्ट्रेस की एयर होस्टेस से एक्ट्रेस का सफर कैसे हुआ वेल well, uh, सफर ऐसे हुआ कि क्योंकि कोई प्लान नहीं था कभी एक्टर बनने का hmm. और uh, प्लान तो नहीं लेकिन कह दे कि ड्रीम था कि मुझे मिस इंडिया बनना है hmm. तो वो ड्रीम मुझे लगा कि ठीक है मैं मुंबई में हूँ जॉब कर रही हूँ तो ट्राई करना चाहिए मिस इंडिया में बिकॉज आई हैड टाइम ऑफ फ्रॉम द जॉब तो <coughs> ट्राई किया और मैं नहीं जीती मैं टॉप टेन में भी नहीं थी तो आई वॉज़ वेरी हार्ड ब्रोकन एंड आई जस्ट थॉट दैट बस ये ही एक सपना देखा था और वो भी पूरा नहीं hmm. हुआ एंड आई हैव टू गो बैक टू माई जॉब सो अभी ये दो चार दिन ही हुए थे पैजेंट से बाहर आए हुए और uh, मुझे एक फ़ोन आया कि एक पंजाबी फिल्म है एंड उसमें गिप्पी गरेवाल जी हैं और उनके ऑपोजिट है तो मैं अगर आकर ऑडिशन दे सकती yeah. हूँ तो तो तब तक मतलब ऐसा नहीं था कि एक्टिंग करनी है इतना नहीं सोचा था लेकिन आई हैड स्टार्टेड इन्जॉइंग यू नो आई आई लाइक बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो मुझे लगा कि ठीक है देखते हैं अगर कुछ हुआ तो फिर बस मैं गई और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मुझे पंजाबी आती है बात करनी मैं इफ़ आई कैन स्पीक पंजाबी सो आई सेड यस आई कैन स्पीक पंजाबी एंड आई जस्ट हर्ड द डायरेक्टर गिविंग मी लिटिल क्यूज़ कि ऐसे करें वैसे करें क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑडिशन hmm. का भी और आई थिंक वो लोग बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके <laughs> थे और उसी रात को उनको फाइनल करना था और उसी रात को उनको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स uh, देने थे पासपोर्ट hmm. क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं करते तो उनका शूट काफ़ी डिले हो जाता आगे सो देवर ऑल्सो इन अ हरी एंड यू नो सो जब तक मैं ऑडिशन दे के निकली तब नीचे गई और तब तक उनका कॉल भी आ गया कि आप बस पासपोर्ट भेज दें इट्स ऑल ओके फ्रॉम आर साइड एंड I also फेल्ट कि ठीक है करके देखते हैं जितना उस फिल्म में मुझे एक पैसा मिल रहा था वो मेरी दो तीन महीने की सैलरी थी तो मुझे लगा ठीक है करके देख लेते हैं अगर कुछ हो गया तो ठीक है नहीं तो दो तीन महीने तो हम सर्वाइव करेंगे इस पैसों पे फिर बाद में जॉब देखेंगे कुछ एंड लिटिल डिज आई नो दैट यू नो फ्रॉम दैट फिल्म आई गॉट माई सेकेंड फिल्म एंड फिल्म और फर्स्ट फिल्म भी जब मैंने शूट कर ली तो बिल्कुल माइंड में ऐसा कभी आया नहीं की इस, इस मेरा करियर बन जाएगा इसके बाद क्या yeah. होगा बट गॉड है बोला जब आप एक प्राइवेट एयरप्लेन के लिए एयर हॉस्टेस थी तो उधर शाहरुख आते थे ऋतिक hmm. आते थे वट वॉज यउंटर विद शाहरुख वॉज लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट टाइम बट आई रिमेंबर बिकॉज ही वॉज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर तो वो आते रहते थे हमारी फ्लाइट्स में पहली बार तो मुझे याद नहीं है बिकॉज पता नहीं क्यों आई वॉज ऑलवेज मुझे मैं कभी ऐसा कि स्टार स्टार खो जाऊं बहुत hmm. ज़्यादा ऐसा कभी नहीं था बट दे वर ऑल सो नाइस बट उनको देखकर मुझे ऐसा अच्छा लगता था जिस तरह कि hmm. वो इंसान जितना भी मैं फील कर पाई कि वो जैसे हैं चाहे वो शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो दोनों में ही मुझे बहुत ह्यूमिलिटी नज़र आती थी और uh, बहुत ही पलाइट एंड क्योंकि उस समय आप, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता ना कि एक्साइटेड uh, तो मैं तब होती क्योंकि मुझे लगता है यार मुझे भी इस लाइन में जाना है वो तो मैंने कभी सोचा <laughs> ही नहीं था तो ऐसे लगता था अच्छा शाहरुख खान आए हैं और अच्छे से सर्व करेंगे और <laughs> अच्छे सब होगा नेवर इवन क्रॉस्ड माय माइंड दैट वन डे यू नो आई विल डू अ फिल्म आई विल बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जहां पर मेरी ही फिल्म में एक डायलॉग होगा शाहरुख <laughs> खानी ये तो uh, आप बैठ के अब मुझे रियलाइज हो रहा है बट <laughs> कभी पहले नहीं ऐसा <laughs> सोचा था बट या वेरी वेरी Uh, humble as a person, and that yeah. was my first observation about them. Mm -hmm. Hi everyone, this is Sonam Bajwa, and you're watching me on News18 Shosha. Hi guys, this is Amveer, and you're watching me on News18 Shosha.